नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मनोज कुमार और मैं आपको आज बताऊंगा सर्व संख्या के बारे में। ठीक, तो सर्व संख्या का फार्मूला और उसके बाद देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ करना होता है। तो हम देखेंगे सर्व संख्या का प्रयोग। सूत्र के लिए पहला सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। दूसरा इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। इसके लिए तीसरा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसे लिखा जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB कोष्टक में ए प्लस बी। इसी प्रकार से चौथा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसे लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक, चूंकि दोनों फार्मूले वही हो गए हैं कोई दिक्कत नहीं। इसका चौथा फार्मूला अलग होता है। ठीक, मैंने दो बार लिख दिया है उसके लिए आप दिक्कत मत सोचिए। इसका चौथा फार्मूला होता है क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसे लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB कोष्टक में ए माइनस बी। मेरा आंसर ये तीन पदों के रूप में दिया है, जिसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस का होल स्क्वायर करना है। तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या प्राप्त होता है, प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक, अगली लाइन से छठवां नंबर इसे दिया है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसे ये लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखते हैं, माइनस 2AB प्लस 2BC माइनस 2CA। क्या लिखते हैं, माइनस 2CA। अगला से यदि सातवां प्रश्न देखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे वर्गांतर का सूत्र भी कहा जाता है। तो यह प्राप्त होता है ए कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे में ए प्लस बी। क्या लिखते हैं, एक कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। आठवां नंबर और फॉर्मूले प्राप्त होते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे दो तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे इसे लिख सकते हैं आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें प्लस 2AB जोड़ देंगे तब पर भी सही है। और या इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB। आप इसे आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। और नौ नंबर फार्मूला जैसे दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए, तो इसे आप फार्मूले में लिखा जाता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब या कोष्टक में प्राप्त होता है ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसके बाद माइनस ए बी। या इसे लिखा जाता है ए प्लस बी क्या है, तो हमें दिखाना है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक, चाहे ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए। देखिए थोड़ा सा डेरिवेशन देखते हैं, सूत्रों का उत्पन्न हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो डेरिवेशन देखेंगे, मान लेते हैं पहले प्रश्न इसका, यानी पहले फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला क्या प्राप्त है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। इसे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम ए प्लस बी को दो बार लिख सकते हैं, अर्थात ए प्लस बी एक कोष्टक में दूसरे में भी क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो जहाँ कुछ नहीं बता सकते हैं वो बुरा करना पड़ता है, तो बुरा करेंगे अगला इसमें प्राप्त हो जाएगा ए के गुणा एम करेंगे, तो यानी ए गुणित ए प्लस ए का गुणा बी करना पड़ेगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए गुणित बी। अगला इसे केवल बी का गुणा करना है एम ए और बी का गुणा करना है बी, तो प्लस है तो प्लस बी का गुणा एम करेंगे तो ए गुणित बी लिखेंगे या बी गुणित ए, चूँकि गुणा के रूप में करने मैंने के पालन करेंगे। अगला ऐसे प्लस है तो प्लस बी का गुणा बी करेंगे तो हमें बी प्लस बी प्राप्त हो जाएगा। अगला ऐसे बताया गया जानते हैं यदि घात यानी आधार समान हो तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसकी घात एक है इसकी घात एक है, एक और एक मिलकर हमें प्राप्त हो जाएगा दो, अर्थात ए के पावर में दो को हम ए स्क्वायर करते हैं। प्लस ए का गुणा बीम करेंगे तो ए बी प्राप्त हो जाएगा, प्लस ए का गुणा बीम करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बी प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार बी घाते बी घाते अर्थात बी का गुणा बीम करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, एक ए बी यहाँ है दूसरा ए बी है, अर्थात एक और एक मिलकर दो ए बी जुड़ रहे हैं तो ए बी लिख लिया जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से आप इस फार्मूले को भी डेरिवेशन कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी प्राप्त हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी इसी के पद हम व्यक्त कर सकते हैं, और ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब भी, इसे आप क्या करते हैं आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखने वाली बात है, देख लेते हैं, तो इतना लिखिए वीडियो पॉज करके बता दो। चलिए देखते हैं सीधे क्या करना था, ए प्लस बी का होल क्यूब है तो इसे हम दो बार लिख सकते हैं, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अभी अभी सीधे किया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, तो वही लिखेंगे जस्ट, हमें प्राप्त हो जाएगा ए प्लस बी, और प्राप्त हो रहा है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो है तो टू ए बी लिखेंगे। बाकी कोष्टक बंद कर दीजिए, एक बार ए का बड़ा इन तीनों करेंगे फिर बी का बड़ा इन तीनों कर देंगे प्लस माइनस के साथ, तो ए का बड़ा ए में करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा ए बुढ़ते ए स्क्वायर प्लस ए का बड़ा बी में करेंगे तो अर्थात ए बुढ़ते बी स्क्वायर प्लस ए का बड़ा टू ए बी में करेंगे अर्थात टू ए बी बुढ़ते ए प्लस है तो प्लस, अब बी का बड़ा कर दीजिए तो बी का बड़ा ए में करेंगे तो फिर से प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और बी का बड़ा बी स्क्वायर में करेंगे अर्थात बी बुढ़ते प्लस, ठीक यहाँ प्लस लगाएंगे बी बुढ़ते बी स्क्वायर करेंगे प्लस बी का गुणा किस में करना है टू ए बी में, तो प्राप्त हो जाएगा टू ए बी बुढ़ते बी, तो अगली लाइन से एक या घाते एक है या घाते दो है, तो घात आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा चूंकि आधार क्या है समान है, तो अगली लाइन से फिर से प्राप्त हो जाएगा ए के पावर तीन प्लस ए बी स्क्वायर, तो प्राप्त हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस टू ए का गुणा इसमें करेंगे हम प्राप्त हो जाएगा टू ए स्क्वायर बी है तो बी प्लस ए स्क्वायर बी है तो ए स्क्वायर बी प्लस है तो प्लस बी का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बी क्यूब प्लस टू ए बी, अब इसमें बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा क्योंकि बी का गुणा बी में करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, टू ए है तो टू ए बी का गुणा बी में तो हमें प्राप्त हो जाएगा बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूँकि बड़ी घात को हम क्या लिखते हैं पहले लिखते हैं तो बी क्यूब प्राप्त हो गया, अगली लाइन से प्लस है तो प्लस, थोड़ा सा ये देखिए एक ए स्क्वायर बी यहाँ है और टू ए बी स्क्वायर यहाँ है तो दो ए बी स्क्वायर और एक ए बी स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा तीन ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी स्क्वायर, एक यहाँ पर है यानी दो टू ए बी स्क्वायर, टू ए बी स्क्वायर यहाँ है और उसके बाद एक ए बी स्क्वायर यहाँ है तो दो ए बी स्क्वायर प्लस एक ए बी स्क्वायर कितना प्राप्त हो जाएगा तीन ए बी स्क्वायर। अब इसमें हमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, हमें प्राप्त हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद प्लस यहाँ क्या का मान मिल रहा है थ्री ए बी का मान मिल रहा है तो हम तीन ए बी का मान लेंगे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ बचा है ए और यहाँ बचा है बी, तो ये देखिए हम लेकर चले थे क्या ए प्लस बी का होल क्यूब तो बराबर प्राप्त हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कोष्टक में ए प्लस बी, यानी इसी के पदों में हम इसका भी कर सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये प्राप्त हो जाएगा क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी कोष्टक में क्या प्राप्त होता है ए माइनस बी, आप इसे भी इसी के पदों में ज्ञात कर सकते हैं बशर्ते इसको ज्ञात हम ए माइनस बी क्यूब होल स्क्वायर वाला पद हमें प्राप्त होना चाहिए, इसे भी आप पहले बताया जा चुका था यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताएं, आप उसी के आधार पर माइनस वाला भी करते हैं तो क्या प्राप्त होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक इसी वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा, तो यानी थोड़ा सा हिंट दे दिया जाता है बाकी आप पूरा कर लीजिएगा, तो ए माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं ए कोष्टक में ए माइनस बी, बाकी दूसरे कोष्टक में हमें करना क्या है दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फिर इसमें प्राप्त हो जाएगा ए माइनस बी और इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बता देंगे यानी प्रूव भी कर सकते हैं आप आसानी से, तो प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद माइनस टू ए बी है तो माइनस टू ए बी, बाकी अब इन दोनों का गुणा बारी बारी से करके आप जोड़ घटा लेंगे जो प्राप्त होगा, यानी इतना अगर प्राप्त होता है तो आप मान लीजिए सही किए हैं, ये नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप मान लीजिए गलत किए हैं, ठीक आगे देखिए, आगे यदि हम इधर मिटा दिया जा रहा है वीडियो पॉज करके लिखना है तो लिख लीजिएगा, चलिए देखते हैं अगले के लिए हमें प्राप्त है तीन चर, ठीक ए बी सी, ठीक इसका होल स्क्वायर करना है तो फिर से इसे हम दो बार लिख सकते हैं कैसे कैसे
अभी वही जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दो बार लिखा गया था, तो स्क्वायर इसे हम दो बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अगला लाइन से ए का गुणा इन तीनों करेंगे, उसके बाद बी का गुणा इन तीनों करेंगे, सी का गुणा इन तीनों कर देंगे। तो ए का गुणा एम करेंगे प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या होगा ए का गुणा एम करेंगे ए स्क्वायर, ए का गुणा बी करेंगे तो ए बी प्राप्त हो जाएगा, ए का गुणा सी करेंगे तो क्या प्राप्त होगा ए सी। प्लस है तो प्लस ए वाला पद खत्म हो गया, आप देखते हैं बी वाला, तो बी का गुणा एम करेंगे तो फिर से ए बी प्राप्त हो जाएगा, प्लस बी का गुणा बी करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बी स्क्वायर। अगली लाइन से बी का गुणा सी करेंगे तो बी सी प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ सी बचा है, अब सी का गुणा इन तीनों करना है, तो सी का गुणा एम करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा ए सी, सी का गुणा बी करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बी सी, और सी का गुणा सी करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा सी स्क्वायर। बड़ी घात वाली पहली संख्या बड़े यानी बाहर पहले लिखी जाती है, तो पहले लिखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, उसके बाद लास्ट में क्या बचा है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर लिख लेगा। अब देखिए ए के बी यहाँ है, ए के बी यहाँ है, तो ए के ए के मिलना प्राप्त हो जाएगा, दो ए बी जोड़ रहे हैं तो ए बी लिखेंगे। प्लस उसी प्रकार देखिए ए के सी यहाँ है, ए के सी यहाँ है, तो पहले ए सी को छोड़िए बी सी को लिखेंगे, तो एक बी सी यहाँ है दूसरा बी सी यहाँ है, दोनों प्राप्त हो जाएगा टू बी सी। उसी प्रकार ए के सी यहाँ और ए सी यहाँ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा प्लस टू ए सी। ठीक, तो इस प्रकार से आप फार्मूले को समझ सकते हैं, यानी दिया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए लिख सकते हैं। ठीक, माइनस वाला भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं, जैसे माइनस के लिए क्या बताया गया था ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर यदि दिया हो तो क्या करेंगे, इसे भी लिख सकते हैं कोष्टक में ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी, और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी, बाकी इन सभी का हम गुणा कर देंगे तो हम क्या प्राप्त हो जाएगा कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। ये हिंट दिया गया है, इसे भी आप कर सकते हैं, तो ये आप ही के लिए हैं। ठीक, तो आप पढ़ने बैठे हैं तो आप कॉपी कलम लेकर इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद कमेंट में करके बताइएगा कि आपका आंसर इतना आया है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी उसके बाद प्लस टू बी सी माइनस टू सी ए। ठीक, यदि आपका इतना आंसर आया है तो आप सही कहीं हल किए हैं, अन्यथा दोबारा प्रयास करिएगा। बाकी एक सर संख्या और बताया गया आपको लोगों को, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हम बताएं कि एक पुस्तक में ए माइनस बी प्राप्त होता है, दूसरे पुस्तक में क्या प्राप्त होता है ए प्लस बी, क्योंकि इसे आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, अर्थात ए प्लस बी एक पुस्तक में दूसरे में ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, गुणा के रूप में क्रमेण मेने का पालन करता है, आगे पीछे हम लिख लेंगे। अर्थात जैसे दो का गुणा तीन करेंगे तब परिमेय छः प्राप्त हो जाएगा, और तीन गुणा के दो लिखेंगे तब परिमेय क्या प्राप्त होगा तीन गुणा छः, दोनों कंडीशन में मान हमेशा मान उतना ही प्राप्त होगा, चाहे आगे पीछे लिखकर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं, तो यहाँ गुणा के रूप में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगली लाइन से हम यही पद लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है, क्या लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब थोड़ा इसमें हम क्या करेंगे ए बी जोड़ने व घटाने पर, क्या जोड़ने व घटाने पर, तो ए बी जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो पहले घटा देते हैं तो प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, उसके बाद प्लस ए बी जोड़ दीजिए, और माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए ए कॉमन है, यानी अर्थात दोनों में ए मिल रहा है, तो हम ए एक बाहर ले लेंगे प्राप्त हो जाएगा ए माइनस, यहाँ बी बच रहा है तो बी प्लस, इसमें देखिए बी कॉमन है, क्या कॉमन है बी कॉमन है, तो हम बी कॉमन लेंगे तो प्राप्त हो रहा है ए और माइनस बी स्क्वायर, तो एक बी बाहर निकला एक भी बचा है तो बी बच गया। तो देखिए दो कोष्टक में जो मिलते हैं उसे हम क्या करते हैं एक कोष्टक में लिखते हैं, अर्थात ए माइनस बी ए माइनस बी, इसे क्या करेंगे एक कोष्टक में लिख लेंगे ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में क्या प्राप्त हो रहा है ए प्लस बी, यानी जो बचता है उसे हम क्या करते हैं दूसरे कोष्टक में लिखते हैं राइट हैंड साइड। लिखिए चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे प्रूव करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए दो फार्मूले बताए गए हैं, दो तरीके। पहला तरीका तो ये था ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके इसमें टू ए बी जोड़ दीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये बताया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे माइनस टू ए बी घटा देंगे, चाहे आपको जो अच्छा लगे वो वाला कर लीजिएगा, तो चाहे इस चाहे ये लेकर चलिए चाहे लेकर चलिए, दोनों तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे राइट हैंड साइड दर्शाएंगे, या फिर ये लेकर चलेंगे राइट हैंड साइड, तो हमें प्राप्त है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी घटा दीजिए बराबर हमें क्या दर्शाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इतना ही दर्शाना है। तो राइट हैंड साइड लेकर चले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है प्लस टू ए बी
उसके बाद यहाँ माइनस टू ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी तो बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये टू ए बी से प्लस माइनस से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस से कैंसिल आउट बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या प्राप्त हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ये सही है। अगला इसे एक बताया गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए, इसके लिए एक फार्मूला बताया गया ए प्लस बी, दूसरे में क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसे हम पहले लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाद में लिखे थे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो इसे हम फिर से प्रूव कर सकते हैं। देखिए प्लस वाला फार्मूला है तो हम प्लस वाला लिखकर चलेंगे, तो प्लस वाले के फार्मूले के लिए क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे माइनस थ्री ए बी घटाएंगे, क्या करेंगे माइनस थ्री ए बी कोष्टक में ए प्लस बी घटा देंगे, तो इसमें देखिए ए प्लस बी कॉमन है, क्या कॉमन है ए प्लस बी कॉमन है, तो ए प्लस बी हम इसमें कॉमन लेंगे, तो ए प्लस बी यहाँ भी है ए प्लस बी यहाँ भी है, तो ए प्लस बी हम कॉमन जब लिए तो हमें क्या क्या बच रहा है, यहाँ देखिए क्यूब था तो एक बाहर आ गया है तो बचा है स्क्वायर, से ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस तीन ए बी सी कोष्टक में ए प्लस बी तो बाहर आ गया है तो ए प्लस बी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बाहर बचा है अपना, तो अगले से प्राप्त हो जाएगा ए प्लस बी ए कोष्टक में, दूसरे में क्या प्राप्त हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताया गया क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस तीन ए बी है तो माइनस तीन ए बी, अगला देखिए प्राप्त हो जाएगा ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी, और यहाँ प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए टू ए बी में से तीन ए बी घटाएंगे, अर्थात देखिए टू ए बी में से घटाना है तीन ए बी को, तो दो छोटा है तीन से, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, तो माइनस ए बी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये भी प्राप्त हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या, ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसे हम फिर से भी लिख सकते हैं क्या, अगला है जिसका माइनस वाला पद यदि याद करना है जिसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके लिए भी आपको करना है, पहले बता दिया गया है प्लस वाला माइनस वाला आप आसानी से याद कर सकते हैं, देखिए माइनस वाला पद है तो माइनस वाला लेकर चलेंगे, अर्थात ए माइनस बी का होल क्यूब करेंगे और इसमें तीन ए बी कोष्टक ए माइनस बी जोड़ लेंगे। ठीक, फिर से इसमें ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे ए माइनस बी कॉमन लेंगे, उसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ क्यूब था तो एक बाहर आ गया है बचा स्क्वायर, तो अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस तीन ए बी बचा है, तो आप इतना आसानी से कर सकते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बता दिया गया है तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, तो कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी आगे बताए देखा जाए, वीडियो पास करके लिखिए। देखिए आगे करना है बिना गुणा के सरसमीक्षा की सहायता से निम्न को हल कीजिए, क्या करें हल कीजिए, तो हम हल करेंगे जिसमें पहला देता है मान लीजिए दिया है 101 का होल स्क्वायर और दूसरा दिया है 501 का होल क्यूब। ठीक, यानी बार बार परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं, छोटी कक्षाएं के हमें पता है लेकिन आप थोड़ा सा देख लेंगे तो बड़ी कक्षाओं के लिए भी काम देता है, आगे चलकर मिलता है। ठीक, यानी छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते हैं तो बड़ी कक्षाओं में भी मिलता है, यानी नवीं दसवीं कक्षाओं के लिए। अगला से हम इसे स्क्वायर के रूप में दिया है तो इसके लिए हमें फार्मूला प्राप्त हुआ था क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके लिए क्या फार्मूला प्राप्त होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसी के रूप में हम इसे कर सकते हैं, जैसे देखिए 101 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस एक लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 100 प्लस एक, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस एक का होल स्क्वायर, अर्थात बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा ए के स्थान पर 100 बी के स्थान पर एक, तो ए का स्क्वायर करेंगे अर्थात 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे मतलब एक का स्क्वायर करेंगे प्लस टू ए बी, एक स्थान पर 100 है तो 100 एक है बी के स्थान पर एक, तो एक तो प्राप्त हो जाएगा 100 के स्क्वायर करेंगे यानी 2 जीरो को स्क्वायर करेंगे 4 जीरो अर्थात 10,000 शक्रिया, कितना प्राप्त हो गया 10,000 और एक का स्क्वायर करेंगे एक ही प्राप्त हो जाएगा, 2 का गुणा 100 करेंगे और 100 जो प्राप्त हो जाएगा उससे गुणा एक में कर देंगे, तो एक में गुणा किसी भी संख्या से करिए उतना ही प्राप्त होगा, 2 का गुणा 100 करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 200। ठीक, बाकी 200 में एक जोड़ दिए इतना जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 10,000 प्लस 200 में एक जोड़ दिए तो 201 प्राप्त हो गया, अब 10,000 में 201 हाँ 201 जोड़ दिए प्राप्त हो जाएगा 10,201 के ना 201, ये इसका आंसर है। बाकी अब दूसरा हम लेकर चलेंगे तो दूसरा क्या दिया है, दूसरा प्रश्न दिया था 501 का होल क्यूब करना था, क्या करना था होल क्यूब करना था, इसे हम लिख सकते हैं 500 501 का लिख सकते हैं 500
प्लस यदि इसमें एक जोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत, ये क्यूब के रूप में प्राप्त हो गया। और इसके लिए फार्मूला फिर से बताया गया था, क्यूब के लिए, क्यूब के लिए क्या फार्मूला बताया गया था, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी, अगला ऐसे ए के स्थान पर कितना प्राप्त हो गया है, 500, बी के स्थान पर एक, तो हमें प्राप्त है ए क्यूब, तो ए के स्थान पर हम क्या करेंगे, 500 का क्यूब करेंगे प्लस बी के स्थान पर दिया है एक, तो एक का क्यूब कर लेंगे प्लस 3 ए बी यानी 3 गुणे 500 गुणे एक कोष्टक में ए प्लस बी अर्थात 500 प्लस 1, तो 500 प्लस 1 बाकी 5 का क्यूब करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 5, यानी 5 का क्यूब मतलब यानी लगातार गुणा के रूप में, यानी 3 बार दिया है यानी क्यूब दिया है तो 500 को हम 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, तो 5 25 25 और 25 का गुणा 5 में कर देंगे, 5 पर 125 प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया, 125। अब देखिए 2 0 यहाँ है, 2 2 4 और 2 कितना के प्राप्त हो गया, 6 0 अर्थात 125 के आगे 6 0, तो 2 3 4 5 6 प्लस 1 का क्यूब करेंगे एक ही प्राप्त हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे, 5 3 15 00 है 00, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर प्राप्त हो गया 500 प्लस 1। ठीक, बाकी ये प्राप्त हो जाएगा 12 50 1 2 3 4 5 प्लस 1, बाकी 15 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 75 2 0 2 0 4 0 था 75,000 प्लस 1500 का गुणा में कर देंगे तो 1500 प्राप्त हो गया। आप इसे बच्चों की तरीके से आप जोड़ सकते हैं जैसे बच्चे जोड़ते हैं, 12 और बाकी ये जोड़ना था कितना, 75,000 है ना, 1 2 3 4 0 और बाकी 75 और 1500 जोड़ना था और एक भी जोड़ना था, इसे हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो एक जोड़ेंगे इतना प्राप्त हो गया 0 0 0, 0 5 जोड़ेंगे 5, 0 1 जोड़ेंगे 1 5 7 5 12। ठीक, अर्थात टोटल काउंट करने के बाद यानी ऐड करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो गया है, 12 57 51 50 1, ये आपका क्या है राइट आंसर। ठीक, चूँकि गुणा करने के लिए आप आसानी से गुणा कर सकते थे, जैसे 501 का क्यूब करना था तो 501 गुणे 500 1 गुणे 500 1 यानी 3 बार आप गुणा कर देते आपका आंसर इतना आ जाता, परंतु कहा था बिना गुणा के सर्वसमिका की सहायता से हल करना था, तो बिना गुणा के सर्वसमिका की सहायता से इस प्रकार से आप हल करेंगे। ठीक, लिखिए चलिए देखते थे, अभी तक तो केवल अचर पद का मान ज्ञात हुआ, यदि चर चर दोनों दिया है मिक्स तब क्या करेंगे, जैसे जैसे दिया है मान लीजिए x-7 का होल स्क्वायर, ये पहला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न दे दिया 2-y का क्यूब करना है तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर वाला पद स्क्वायर में रहने दीजिए, क्यूब वाला क्यूब क्यूब में करेंगे, अर्थात ये दिया है a-b के होल स्क्वायर के रूप में, और ये क्या दिया है a-b के होल क्यूब के रूप में, यही प्लस के रूप में भी दे सकता है, जैसे तीसरा तीसरा मान लीजिए दिया है x+1 का होल क्यूब करना है तो होल क्यूब कर सकते हैं आप आसानी से। इसी प्रकार से ये फार्मूला क्या प्राप्त होता है a-b का होल क्यूब, तो ये प्राप्त हो जाता है a² दिया है तो a² + b² उसके बाद -2ab। ठीक, तो a के स्थान पर क्या दिया है x दिया, तो क्या करेंगे x का स्क्वायर करेंगे प्लस x प्लस b के स्थान पर 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे माइनस बाकी 2ab यानी 2x × 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे x² + 7 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा प्लस 49 - 2 का गुणा 7 में करेंगे 2 से 14 और 14 गुणा 1 में करेंगे 1 प्राप्त हो गया, बस ये आपका आंसर है, आगे इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बाकी यदि दूसरा हल करना है तो दूसरा हल दिया है 2-y का होल क्यूब, तो एक फार्मूला और आप लोगों को बताया गया था a-b का होल क्यूब, तो a-b का होल क्यूब के रूप में क्या क्या बताया गया था, a³ - b³ -3ab कोष्टक में a-b। ठीक, तो आगे हम इसी के रूप में यानी a के स्थान पर क्या प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया, b के स्थान पर क्या प्राप्त हो गया y प्राप्त हो गया, अगला आंसर हम इसे हल करेंगे यानी 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब प्राप्त हो गया -y का क्यूब, तो y का क्यूब -3ab 3a के स्थान पर 2 है b के स्थान पर y, कोष्टक में क्या प्राप्त होता है a-b, तो a के स्थान पर 2 b के स्थान पर y, बस कितना ही करना है इसमें। ठीक, यानी 2 का क्यूब करेंगे 8 प्राप्त होता है, -y का क्यूब कर देंगे कितना प्राप्त होगा
वाई क्यूब माइनस तीन का गुणा दो कर दीजिए, 3 गुना 6 वाई है, तो वाई कोष्टक में 2 माइनस वाई लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगला इसे और हल कर सकते हैं, यानी -6y का गुणा कर सकते हैं 2 माइनस वाई, प्राप्त हो जाएगा 8 माइनस वाई क्यूब। उसके बाद माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस है तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, 6y का गुणा दो कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 6 गुणा 12 वाई, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस 6 का गुणा y, 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 y का गुणा y में कर देंगे y2। यहाँ प्लस कैसा है ये भी जान लीजिए, देखिए माइनस का गुणा हम माइनस में करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है, और प्लस का गुणा यदि हम प्लस में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस ही प्राप्त होगा, माइनस का गुणा यदि हम प्लस में करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है, और प्लस का गुणा हम माइनस में करते हैं क्या प्राप्त होगा, माइनस ही प्राप्त होता है। ठीक, तो माइनस का गुणा माइनस में किया गया क्या क्या प्राप्त हुआ, प्लस प्राप्त हुआ, अर्थात यहाँ माइनस का हम माइनस में गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ, प्लस प्राप्त हो गया। ठीक, इतना आप लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो ये जो तीसरा है, तीसरा क्या प्रश्न है, एक्स प्लस वन का होल क्यूब, ये आपके लिए है। ठीक, ये फॉर यू है, तो आप इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में आंसर इसका। ठीक, तो अगले आए से हम थोड़ा आगे देखेंगे, लिखिए इतना वीडियो पॉज करके तो बता दें। देखें और भी दिया होता है, जैसे मान लीजिए यदि देता है एक्स माइनस दो एक कोष्टक में, दूसरे में एक्स प्लस दो, उसके लिए फार्मूला बताया गया अभी अभी, क्या बताया गया था, यदि दिया हो एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी, या फिर यही उल्टा इसका दिया, मतलब आगे पीछे करके दिया हो, जैसे ए प्लस बी पहले दे दिया हो उसके बाद ए माइनस बी बाद में दिया है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही करना है, अर्थात एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी दिया है, तो इसे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए के स्थान क्या दिया यक्स, तो हम क्या करेंगे यक्स का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस है तो माइनस, और बी का स्क्वायर करेंगे, तो बी के स्थान क्या दिया है, यहाँ भी दो यहाँ भी दो, अर्थात बी बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब यक्स का स्क्वायर करेंगे यक्स प्राप्त हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 4। आप इसी प्रकार से एक आपको हल करना है, मान लीजिए एक कोष्टक में एक्स प्लस 3 दिया है, दूसरे में क्या दिया है एक्स माइनस 3, इसलिए आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके इसका भी आंसर में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी आगे देखेंगे, देखिए और फार्मूले बताए गए थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसे क्या क्या बताया गया था, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और एक फार्मूला और बताया गया था, जैसे दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके लिए भी क्या बताया गया था, एक कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसका हम जो प्रयोग है, यानी इसका सर्वसमिका का जो प्रयोग है, वो थोड़ा अजीब प्रकार है, मतलब अच्छा होता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है, जैसे इसमें से इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसमें से कुछ दे दिया जा रहेगा उसके बाद आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए यदि पहला प्रश्न यदि मान लेते हैं, जहाँ पहला प्रश्न देता है हमें, यदि मान लीजिए एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 4, क्या दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 4, कामा एक्स वाई बराबर दे दिए 21, के ना एक्स वाई बराबर 21, तथा इसमें मान ज्ञात करने के लिए है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात हम आसानी से कर सकते हैं, यानी ये दे दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई बराबर 21, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात इस प्रकार से करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कहाँ से प्राप्त होता है, एक्स माइनस वाई के होल क्यूब से। ठीक, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कहाँ से प्राप्त होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के होल क्यूब से, तो इस प्रकार से इसमें हम क्या करते हैं, प्लस 3xy कोष्टक में एक्स माइनस वाई घटा देते तो हमें प्राप्त हो जाता था क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अर्थात एक्स वाई का, यानी ए के स्थान पर एक्स दे दिया, वाई के स्थान पर बी दे दिया। ठीक,
ठीक, तो इतना में प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर क्या दिया है, 4। तो हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे प्लस 3 इंटू एक्स वाई के स्थान पर कितना दिया है, 21। तो 3 इंटू 21 और प्राप्त हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक, तो 4 का क्यूब करेंगे यानी 4 6 16, और 16 चौका 64 प्राप्त हो जाता है। प्लस 3 का गुणा 21 में करेंगे यानी 21 3 63, और गुणते 4 बचा है तो क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा इसमें करेंगे प्राप्त हो जाएगा 64। हाँ 64 लिखना था, सॉरी 16 लिख दिया गया था, 64। यहाँ भी 64 प्लस 4 3 12 कहीं 2, 4 6 24, और 24 1 25 यानी 252 हो गया। अब 252 में 64 जोड़ देंगे, तो 252 में जब 64 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, यानी 5 4 2 6, और 6 5 11 कहीं 1 2, और 2 1 3, यानी 316 प्राप्त हो गया। हमें किसका मान प्राप्त हो गया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, अर्थात इसी का मान यहाँ भी प्राप्त हो गया है। तो हम लिख सकते हैं अतः एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 316। ठीक, इसे लिख लीजिए। उसके बाद मेरा मनोज नाम है, मनोज कुमार। तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है MK स्टडी नॉलेज। तो मैं थोड़ा सा नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ी मिस्टेक हुई है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।